इन शस्त्रों से तुम कभी बेच नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज। नहीं नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका, कोई तरीका उचित नहीं है। नो, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। नो, तरीका गलत है। बैठिए बैठिए, क्या सदन है, संसद है, बैठकर टिप्पणी करते हैं। सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी, आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कि ऐसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है, हमने उनका हक दिया है। आदरणीय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं, एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है, ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं, बहनों, बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से टॉयलेट की बातें करता है, बड़ी मजाक उड़ाई गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये टॉयलेट, ये इज्जत घर, इन मेरी माताओं बहनों की क्षमता, उनकी सुविधा, उनका सुरक्षा का सम्मान करने